तो गाइस आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक प्रोफाइल बैकलिंक मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। इसको मैं इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ कि ये नो फॉलो या डू फॉलो। तो गाइस आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 100% डू फॉलो बैकलिंक्स है। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में आपको एक नहीं दो वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जहाँ से आप इंस्टेंट अप्रूवल डू फॉलो बैकलिंक्स आप जनरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और इंस्टेंट अप्रूवल है, आपको वेट करने की भी जरूरत नहीं है। तो गाइस वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करना। उससे पहले गाइस एक चीज़ मैं हमेशा बोलना चाहूँगा कि ये चैनल जो ये आपका और मेरा चैनल है जिसका नाम है SEO स्मार्ट की, इस चैनल के ऊपर आपको डेली बेस पर बैकलिंक्स के रिलेटेड, ट्रैफिक के रिलेटेड, रैंकिंग रिलेटेड प्रॉपर SEO की वीडियोज आपको मिलती रहेगी। तो गाइस जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और गाइस नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। और गाइस बहुत जल्दी 4000 सब्सक्राइबर होने वाला है इस चैनल के ऊपर, तो गाइस जल्दी से अपना सपोर्ट दिखाओ, अपना प्यार दिखाओ और सब्सक्राइब करो चैनल को। और जो भी आपके जो डाउट्स होंगे, जो भी आपके जो क्वेश्चंस होंगे, वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या तो गाइस आप मुझे पर्सनली आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है बहुत जल्दी आप सबको आंसर वाला वीडियो मिलने वाला है। तो गाइस जल्दी से जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो भी आपके जो क्वेश्चंस है, डाउट्स है, वो भी आप मुझे DM कर देना। इसके अलावा गाइस आप सबको पता ही होगा, मैंने अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले ही मैंने एक वेबसाइट लॉन्च करा है SEO स्मार्ट की के नाम पे, जहाँ पे जो है आपको सारी जितने भी सबमिशंस होते हैं, जितने भी ऑफ पेज होते हैं, सारी ऑफ पेज की जितनी भी सबमिशंस होते हैं सारी मैंने बैकलिंक इसका लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर रखा है आपके लिए, बहुत इजी हो जाएगा। आपको लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक आप चेक कर सकते हो। तो गाइस वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे गाइस ये एक वेबसाइट है। सबसे पहले गाइस इस वेबसाइट का DAPA और स्पैम स्कोर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे गाइस मैं DAPA चेकर टूल में यूज़ कर रहा हूँ और इस वेबसाइट का जो DA जो है 44 है और PA 51 है। लेकिन गाइस ये जो वेबसाइट है ये कम से कम 11 साल पुरानी वेबसाइट है, तो गाइस गूगल पे ट्रस्टेबल वेबसाइट है और स्पैम स्कोर खाली 1% है। और इस वेबसाइट की अगर मैं डोमेन रेटिंग की अगर मैं बात करूँ जो है DR, तो गाइस DR चेकर में टूल मैं यूज़ करूँगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस इस वेबसाइट का डोमेन रेटिंग में आपको लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से भी आप चेक कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस इस वेबसाइट का जो DR जो है आप देख पा रहे होंगे, तो गाइस DR जो है 70 है। तो गाइस बहुत अच्छी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर बैकलिंक्स कैसे जनरेट करेंगे और कैसे क्रिएट करेंगे वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से गाइस वीडियो को जो है अभी से लाइक कर देना क्योंकि आगे जाके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे गाइस इस वेबसाइट में बैकलिंक बनाने के लिए आपको सिंपली आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली आपको लॉगिन पे या ज्वाइन अस पे आपको क्लिक करना होगा। तो गाइस मैं लॉगिन पे क्लिक करके, साइन इन पे मैं क्लिक करके भी कर सकता हूँ या ज्वाइन अस में भी क्लिक कर सकता हूँ। तो गाइस मैंने लॉगिन पे मैंने क्लिक करा, उसके बाद आपको जो है इस तरह का आपके पास पैटर्न आ जाएगा। आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं सेंटर जो गैलरी है, एक आर्टिस्ट है और एक शॉपर है, तो गाइस आर्टिस्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली आपका जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका जो ईमेल आईडी होगा, आपका जो पासवर्ड होगा और आपको बस एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है, उसका आपको एक आंसर देना होगा और आई एम नॉट रोबोट के जो क्वेश्चन होंगे उसको आपको सॉल्व करना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली साइनअप हो जाएगा। तो गाइस जैसे आप अपना अकाउंट को साइनअप करोगे, साइनअप करने के बाद आपके पास इस तरह से डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा, या तो आप मैनेज प्रोफाइल पे भी आप क्लिक करके भी आप जा सकते हो या डायरेक्टली ये प्रोफाइल आपके पास ओपन हो जाएगा। तो गाइस जैसे ही प्रोफाइल ओपन हो जाएगा तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो बायो में जो है आप बायो लिख सकते हो और एक प्रोफाइल इमेज आप अपडेट कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट की लिंक आप लगा सकते हो, नीचे में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा और साथ में यूज़र नेम भी आप अपडेट कर सकते हो। मीन्स जो जो डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए गाइस मैंने यहाँ पे बायो लिख दिया कि बेस्ट SEO ऑफ पेज चैनल ऑन YouTube। तो गाइस आप सबको पता ही है कि SEO के रिलेटेड, SEO ऑफ पेज के रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो कंटेंट है मैं ही अपलोड करता हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो गाइस सपोर्ट दिखाओ गाइस, बहुत जल्दी 4000 सब्सक्राइबर करना है, 4K सब्सक्राइबर, तो गाइस बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस चीज़ के लिए। तो गाइस जल्दी से सपोर्ट करो इस चीज़ पे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो बैकलिंक्स है वो मेरा अपडेट हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे 100% डू फॉलो बैकलिंक्स है, कहीं पे भी नो फॉलो नहीं लिखा हुआ। इसके अलावा गाइस बायो के अलावा मैंने अपनी वेबसाइट का भी लिंक मैंने लगाया, उसको भी मैं इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे गाइस 100% डू फॉलो मीन्स दो जगह से मुझे डू फॉलो बैकलिंक्स आप मिल गए। आप बायो में भी आप लिंक लगा सकते हो और अपना वेबसाइट का होम पेज का भी आप लिंक लगा सकते हो।
उसके बाद गाइस आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये सेकंड वेबसाइट है। सेकंड वेबसाइट के भी आप DAPA स्पैम स्कोर और डोमेन रेटिंग आप चेक कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। सिंपली मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे आपको बैकलिंक्स आपको कैसे क्रिएट करना है। तो सिंपली आपको बस यहाँ पे जो है साइन इन पे आपको क्लिक करना है या क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो आई एग्री का कोई क्वेश्चन है। इसके बाद आपको सिंपली अपना जो मेल आईडी और पासवर्ड और निक नेम आपको एंटर करना होगा। जैसे आप सारी डिटेल्स को अपडेट करोगे, अपडेट करने के बाद आपके पास एक मेल वेरिफिकेशन आएगा। तो गाइस ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे गाइस यहाँ पे मैंने टेम्प मेल को यूज़ करा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस मेरे पास मेल, तो गाइस आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे मेरे पास मेल भी आ चुका है, मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे आप अपना मेल को वेरीफाई करोगे, वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आप डिटेल्स मांगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नेम हो गया, ईमेल आईडी, लोकेशन, कंट्री, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सारी डिटेल्स आपको अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आपको बस सेव पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप अपना सेव करोगे उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको प्रोफाइल लिंक आपको यहाँ पे कैसे क्रिएट करोगे, बैक लिंक्स आप कैसे क्रिएट करोगे वो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। सिंपली आपको जो है अपना यूज़र नेम पे आपको क्लिक करना, उसके बाद आपको सेटिंग्स आपको क्लिक करना है। सेकंड फर्स्ट ऑप्शन होगा सेटिंग पे, जैसे आप क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अपना ब्लॉग URL आप अपडेट कर सकते हो, अपना जो बायो होगा बायो अपडेट कर सकते हो, जो जो डिटेल्स रिक्वायर है वो सारे डिटेल्स अपडेट कर देना। अपडेट करने के बाद आप देख पा रहे होंगे गाइस आपको जो है प्रोफाइल करके एक थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपकी जो पब्लिक प्रोफाइल है वो रेडी हो जाएगा, पब्लिकली आपको डिस्प्ले करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद मैं आपको इसको इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ कि नो फॉलो या डू फॉलो है। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे गाइस 100% डू फॉलो बैकलिंक्स है, कहीं पे भी नो फॉलो नहीं लिखा हुआ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो गाइस वीडियो पे एक छोटा सा लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक के रिलेटेड क्रिएट करूँ या कौन से सबमिशन के ऊपर क्रिएट करूँ। थैंक यू सो मच गाइस।